How is she? How's work? All is well too, Suna. चल रहा है। अच्छा श्रवण, अंजलि कह रही थी कि सुमो भी आ रही है। रे किधर गई वो? एनी आइडिया? मुझे क्या पता होगा यार? तुझे नहीं पता होगा तो फिर किसे पता होगा? मतलब? Come on श्रवण, सबको पता है कि यूनियन पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम और सुमो बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हो। मैंने तो ये भी सुना है कि तुमने उसके लिए कोई केस भी फाइट किया था। हाँ, but that wasn't. Hi guys. Hey. Hi Shravan. Hi. सुमो कहाँ है? I don't know. Excuse me guys. चल ले। बेकारी आ गया। सुमो कहाँ है? सुमो कहाँ है? मैं सुमो का मैनेजर बैठा हूँ। हे सुमो, कहाँ रह गई थी यार? अरे थोड़ा बस। हाय। फंस गई थी मीटिंग में। आशीष जल्दी से बांस काफल बनाते। चले चले। जल्दी से पहले मैदा निकाल, पानी गरम कर, एक प्लेट में दे मुझे। ये ले। प्लेट, प्लेट, प्लेट। सॉरी सुमो, तेरे को इतनी इमरजेंसी में बुलाना पड़ा, सारी गलती मेरी है। वो ना प्रीता, ये सब कोई जानबूझ के थोड़ी ना करता है। सर हिलाने से नहीं, हाथ चलाने से काम होगा। अंजलि का बॉस अभी आता होगा। चल जल्दी कर, ये सब्जियां यहाँ क्या करिए, उबाल इसे। Hello sir, welcome to the party. हाँ, thank you. आइए सर, आइए। अंजलि मैंने करता हूँ। सर, ये है मेरा फ्रेंड श्रवण मल्होत्रा, ये लॉयर है। और श्रवण, ये है मेरे बॉस मिस्टर जंदवानी। श्रवण मल्होत्रा, तुम कहीं वही फेमस लॉयर रामनाथ मल्होत्रा के बेटे तो नहीं हो? जी सर, ये होने के बेटे हैं। क्यों, क्या हुआ सर? कुछ नहीं। मिस्टर श्रवण मल्होत्रा, हाय, गुड टू सी यू। नाइस टू मीट यू। तुम्हारे बारे में पढ़ा था मैंने पेपर में, जिस ढंग से तुमने वो स्टील इंडिया केस को हैंडल किया था, दैट वाज वेरी इंप्रेसिव। थैंक यू। अरे तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे ऐसे दोस्त हैं। क्यों, क्या हुआ सर? कुछ नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इतने बड़े लॉयर तुम्हारे दोस्त हैं। अंजलि, मैं चलता हूँ। कम ऑन श्रवण, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मिस्टर चंदवाली, आई टेक यू लीव। अरे श्रवण जी, हम आए और आप चल दिए। आप बैठिए ना, कुछ बात करते हैं, हमें अपने केस के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करना है। आइए प्लीज। ओके। अरे बैठिए श्रवण जी, बैठिए। कुंदन कहाँ रह गया? सर मैं आप लोगों के लिए ड्रिंक भिजवाती हूँ। थैंक यू। सो श्रवण जी, अपने केस के बारे में हम कुछ बात करें। बोलिए। प्रीता जल्दी हाथ चला। हाँ। प्रीता वो दियो मुझे।
Sumo. This is beautiful. मैंने कहा था ना Sumo आएगी तो सब ठीक हो जाएगा. Thanks Sumo. तूने आज मेरी इज्जत बचा ली. और PCT की भी. आओ. चल यार मैं निकलती हूँ अभी. है तुम निकलती हो? कहाँ जा रही हो? कहा था ना एक मिनट. तुम यहाँ सिर्फ खाना बनाने के लिए आई थी अंजलि. यार I'm sorry. कोई चक्कर नहीं है. तुम मेरे साथ चल रही हो पार्टी. अंजलि नो नथिंग. मुझे कुछ नहीं सुनना है. तुम चुपचाप मेरे साथ पार्टी में चलो. तो श्रवण जी आपके हिसाब से क्या बनता है? आप क्या राय देते हैं कि म्यूचुअल सेटलमेंट या फिर फाइट? मिस्टर चंदवानी आप अंजलि से मेरा नंबर ले लीजिए. मेरे ऑफिस कभी भी आ जाइए. हम आराम से बैठ के इसे डिस्कस करेंगे. बट अभी मुझे जाना है. बाय. प्लीज यार प्लीज लिसन टू मी. सच में नहीं रुक सकती मैं. सॉरी. सोमो मैडम शायद आप भूल रही हैं. आपने मुझे फोन पे बता दिया था कि आप अपनी मीटिंग करके आई हैं. सो नो बहाने. बहाने नहीं बना रही हूँ बाबा. अगर मैं रह सकती ना पक्का रहती हूँ. यार सोमो व्हाट इज दिस? कोई ऐसा करता है क्या? अंजलि समझ ना यार. रुक सकती तो पक्का रुकती लेकिन अभी रियली पॉसिबल. आई नो बट सॉरी. वो गया पार्टी ना. ठीक है. और सोमो आई एम सो सॉरी. लगी तो नहीं. ए ओके चल विल टेक यू अपस्टेयर्स. चलो बिल्कुल आई जाइए. क्या यार श्रवण ऐसी भी क्या लड़ाई चल रही है तुम दोनों की कि तुमने इसकी नाकी तोड़ दी? वैसे काफी क्यूट लग रहे हो तुम दोनों. मुंह भुला के नहीं नाक तोड़ा के. वैसे इन दोनों में कोई सॉलिड झगड़ा हुआ है पता है अंजलि? अभी थोड़ी देर पहले हमने इसे सुमो के बारे में पूछा. भाई बात ही भूल कर गया. मुझे तो इसने ये तक कह दिया कि इसे ये भी नहीं पता कि सुमो दिल्ली रहती है या कहीं और. श्रवण सुमो प्लीज मेरी पार्टी की बैंड मत बजाओ. पूरी जिंदगी पड़ी है लड़ने के लिए. चल ना. जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है. जी नहीं हमें तुम्हारी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं है. और तुम चुपचाप यहाँ बैठ जाओ. गाइस कम ऑन. तुम लोग पार्टी में आए हो. एंजॉय द पार्टी. जो कुछ भी हुआ जस्ट फॉरगेट अबाउट इट. डीजे प्ले सम गुड म्यूजिक. ऐसे नहीं मानोगे. गाइस हेलो. तुम लोग पार्टी में आए हो सत्संग में नहीं. सो वी आर गोना पार्टी. कम नो नो इट्स ऑल राइट. मूड बन रहा है. अजी प्लीज डॉक्टर बहुत दर्द है बाबा. कम ऑन श्रवण. कम ऑन सुमो. अजी प्लीज इट्स ऑल राइट. प्लीज सड़ू फेस बना के मत बैठियो. पार्टी में एक सड़ू फेस ऑलरेडी है. तुम लोग ऐसा मत करो. ओके So dance, have fun, okay?
तुमने टीना से ऐसे क्यों कहा था कि तुम नहीं जानते कि मैं दिल्ली में हूं कि नहीं? मुझसे दूर रहना चाहते हो ये तो समझती थी, लेकिन मेरे होने का पता तक नहीं रखना चाहते ये नहीं पता था। बताओ ना, झूठ क्यों कहा तुमने? तुम जैसे बड़ा सच बोलती हो। मैं नहीं आ रही पार्टी में तो तुम चले जाओ। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। वैसे भी मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है कहीं आने जाने की। कोई इमरजेंसी थी सिर्फ इसलिए। तुम और तुम्हारी इमरजेंसी, ये किसी और के साथ क्यों नहीं आती तुम्हारी इमरजेंसी? नाटक श्रवण के। जल्दी है क्या? हाँ बहुत जल्दी है मुझे। अब खुश? प्रॉब्लम क्या है? नहीं, चाहते क्या हो तुम लाइफ से? जब मनाया था बात कर ली, जब मनाया था मुंह बना लिया, इसे क्यों बिहेव करते हो श्रवण? क्या किया है मैंने? मुझे तुमसे कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है, क्योंकि कुछ और हो ना हो एटलीस्ट ये हक तो है मेरे पास। या फिर ये भी तुम्हारे मूड पर डिपेंड करेगा। श्रवण, क्या हो जाता है तुम्हें अचानक से? क्यों तुम ऐसे बिहेव करते हो? आखिर किससे भाग रहे हो? किसी से भाग नहीं रहा मैं। दुनिया से डरता हूं क्योंकि दुनिया का सच जानता हूं। सच क्या है मैं बताती हूं। तुम अपने पास से भाग, पीते हुए कल का गुस्सा तुम अपने आज पर निकालो। किसी की दोस्ती, किसी के साथ की कदर क्यों नहीं है तुम्हें? क्योंकि जब कोई अपना बनने के बाद साथ छोड़ता है तो बहुत तकलीफ होती है। शायद तुम एक पूरे इंसिडेंट की वजह से पूरी दुनिया को एक नजर से नहीं देख सकते। दूसरों की फीलिंग समझना सीख, एटलीस्ट उन पर विश्वास करना नहीं सीख। करता मैं विश्वास किसी पे। ओके, आई डोंट ट्रस्ट एनीवन। जब मेरी माँ मेरा साथ छोड़ के जा सकती है तो किसी पे क्या भरोसा करूंगा मैं? तुम्हारा सच दुनिया का सच नहीं हो सकता श्रवण। सच सच होता है सुमो, और मेरा सच ये है कि मैं फिर से टूटना नहीं चाहता। इसका मतलब तुम कभी भी किसी पर भी भरोसा नहीं करोगे? नहीं, क्योंकि कोई भरोसे काबिल नहीं है। गलत, क्योंकि तुम्हें किसी पर भी भरोसा करना आता ही नहीं है। हाँ नहीं आता। खुश, तुम बहुत भरोसे की बात कर रही हो। 10 साल पहले तुमने भी तोड़ा था मेरा भरोसा, फिर से बोलो। श्रवण, उस बात के लिए मैं कितनी बार तुमसे सॉरी कह चुकी हूँ, तुम अब तक उस बात को लेकर बैठे हो? मुझे समझ नहीं आता कि मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करोगे। बताओ, बोलो ना, श्रवण मल्होत्रा का भरोसा पाने के लिए इंसान क्या करे? टेल मी।
अपना दिल निकाल के रख दे या फिर अपनी जान दे दे। कोई किसी के लिए अपनी जान नहीं देता। देख लो श्रवण, पागल हो क्या? गिर जाती तो तुम गिरने नहीं देते। ये मेरा भरोसा था। तुम्हें उस झूले पर डरना नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारे साथ मैं था। मैं तुम्हें गिरने नहीं देता। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, कभी नहीं। शबन, जब मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकती? तुम पागल हो क्या? तुमने मेरे भरोसे के लिए ऐसे ही, और अगर गिर जाती तो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हें क्या लगा तुम्हारे ये करने से कुछ बदल जाएगा? मैं तुम पे भरोसा करने लगूंगा? शायद। बिल्कुल गलत लगा तुम्हें, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। लिसन, मैं जैसा हूं मैं बिल्कुल ठीक हूं, सो प्लीज ऐसा कुछ कभी मत करना, ओके? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। श्रवण मल्होत्रा का भरोसा पाने के लिए इंसान क्या करे? टेल मी, अपना दिल निकाल के रख दे या फिर अपनी जान दे दे। तुम गिरने नहीं देते। ये मेरा भरोसा था। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे ये करने से कुछ बदल जाएगा? मैं तुम पे भरोसा करने लगा? शायद। जिंदगी भर मेरे साथ नहीं छोड़ेगी। सुनो, मुझे आज फिर से प्यार तुमसे। श्रवण, तुम्हारे दिल की ये कड़वाहट, ये नफरत सिर्फ तभी तू रोगी जब तुम अपनी माँ से मिलोगे, जब तुम्हें उनका सच पता चलेगा, जब तुम्हें एहसास होगा कि राम अंकल ने तुम्हें एक छोटी कहानी सुनाई थी। बहुत इंतजार कर लिया इस लेटर ने, लेकिन अब और नहीं। तुम्हारा ये जख्म मैं भरूंगी श्रवण, और ये मेरा वादा है तुमसे। अब मैं बोलूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.